Good morning, viewers. My name is Rajesh Kumar Vino, next year electronics engineering, Rajesh Pilot Government Polytechnic College Dasa. Video series की video lectures की series के अंदर आज हम choppers के बारे में बात करेंगे. हमने previous class के अंदर choppers से related एक जो video बनाया था उसके अंदर हमने choppers की types discuss की थी. बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस किया था और उसको कंट्रोल स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की थी. कंसिस्टेंट फ्रिक्वेंसी सिस्टम, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी सिस्टम. बेसिकली ये जो लिटरेचर है ये मैं पीएस विन का बुक यूज़ कर रहा हूँ और इसका ऑनलाइन जो वर्जन है उसको यूज़ कर रहा हूँ सॉफ्ट कॉपी. आज हम इसमें स्टेप अप चॉपर्स के बारे में पढ़ेंगे. बेसिकली चॉपर्स दो तरह के होते हैं, स्टेप अप चॉपर एंड स्टेप डाउन चॉपर. जहां हमारी डिजायर्ड वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारे इनपुट वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज से कम होगा तो वो स्टेप डाउन प्रोसेस होगा, और अगर हमारा आउटपुट वोल्टेज हमारे इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो वो स्टेप अप प्रोसेस होगा. तो फॉर द चॉपर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिगर 7.2A, दिस इज 7.2A. दिस इज स्टेप अप चॉपर. बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसको हम अगर देखें तो एक चॉपर यानी स्विचिंग डिवाइस होता है, और वो स्विचिंग डिवाइस होता है वो हमारे सप्लाई के सीरीज में कनेक्ट होता है. उसके साथ एक जो हमारा एक जो स्ट्रक्चर बनता है जिसमें लोड और हम जो लोड होता है और एक इंडक्टर होता है उसको सीरीज कनेक्शन को, इन दोनों के सीरीज कनेक्शन को एक FD यानी फ्री व्हीलिंग डायोड के पैरेलल के साथ कनेक्ट करके और इस पूरे स्ट्रक्चर को स्विचिंग डिवाइस के सीरीज में कनेक्ट करते हैं. तो बेसिकली ये स्टेप अप चॉपर होता है. इस फिगर को हम ध्यान में रखेंगे और आगे इसमें डिस्कशन करेंगे कि द एवरेज आउटपुट वोल्टेज VO इज लेस देन द इनपुट वोल्टेज VS, दैट इज VO इज लेस देन VS. दिस कॉन्फ़िगरेशन इज देयरफॉर कॉल्ड स्टेप डाउन चॉपर. एवरेज आउटपुट वोल्टेज VO ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज VS कैन हाउएवर इज ऑप्टेड बाय कॉल्ड चॉपर कॉल्ड स्टेप अप चॉपर. The illustration illustrates an elementary form of stepper chopper. In this article, the key principle of stepper chopper is so basically ये step up chopper है. इस step up chopper के अंदर देखिए एक VS है जो DC power supply है, DC power DC voltage है. DC voltage एक inductor के through हमने एक chopper पर दिया, switching device पर दिया, और एक diode है, freewheeling diode है, ठीक है. अब ये स्विचिंग क्या है, स्विचिंग होगी ये जो, ये तो एलिमेंट्री जो सर्किट है वो तो ये है. अब इसके अंदर स्विचिंग होगी तो एक प्रोसेस होगा, जब स्विच कनेक्ट होगा आप ये जो दोनों टर्मिनल से आपस में कनेक्ट होंगे एक प्रोसेस होगा जिसमें ये दोनों ओपन रहेंगे, ठीक है. तो जब ये अब देखते हैं कि कनेक्ट होगा तो क्या होगा, डिसकनेक्ट होगा क्या होगा. तो इन दिस चॉपर ए लार्ज इंडक्टर एल इज इन L in series with source voltage VS is essential as shown in figure 7.5A. When the chopper CH is on, the closed current path is as shown. अब बेसिकली जो L है ये हाई, ये लार्ज इंडक्टर है. तो जब चॉपर कनेक्ट होगा, जब फर्स्ट पोजिशन ये मान लीजिए कि जब चॉपर कनेक्ट है, चॉपर कनेक्टेड है तो बाकी, क्योंकि ये चॉपर शॉर्ट सर्किट होगा तो आगे D इस डायोड में और लोड पर हमारा वोल्टेज नहीं जाएगा. जो करंट है वो यहीं से फ्लो करके, और ये जो पाथ होगा वो होगा इंडक्ट VS से जो करंट निकलेगा उसका पाथ होगा इंडक्टर एंड देन अगेन टू द VS. तो ये हमारा क्रॉस पाथ होगा. अब इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो इंडक्टर है उस इंडक्टर के अंदर हमारी चार्जिंग हो जाएगी, और दिस इज टी ऑन, ये चार्जिंग होगी. जब चॉपर हमारा ऑन होगा तो दिस इज चार्जिंग ऑफ टी ऑन. अब जो हमारा इनिशियल करंट था I, उस आई के अंदर कुछ वैल्यू इंक्रीज होगी जो कि इंडक्टर के अंदर जो चार्ज स्टोर होगा, और ये टी ऑन इस तरह से करके हमारा I2 तक, ये जो इनपुट जो I2 तक करंट हमारा एक्सीड कर जाएगा. अब नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी कि नेक्स्ट पोजीशन ये होगी व्हेन दिस चॉपर इज ऑफ यानी ओपन सर्किट. तो उस कंडीशन के अंदर जो इंडक्टर है वो इंडक्टर सीधा इस डायोड के थ्रू लोड पर कनेक्ट होगा,
तो वहां हमारा टी ऑफ होगा, टी ऑफ होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि जो इंडक्टर है वो इंडक्टर हमारा डिस्चार्ज करेगा, इंडक्टर डिस्चार्ज करेगा तो वो वापस डिस्चार्ज होकर आई वन तक आएगा। सो दिस इज ए साइकिल टी फ्रॉम टी ऑन प्लस टी ऑफ इक्वल्स टू टी एट, टोटल साइकिल होगी और इसके अंदर जो ड्यूटी साइकिल होगी वो टी ऑन अपॉन टोटल टी होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो करंट इसके अंदर जो इनपुट सप्लाई करंट था वो आई वन था प्लस उसके अंदर आई टू तक ये वैल्यू इसकी राइज हो गई थी इन आउटपुट करंट की, क्योंकि आई टू तक राइज कैसे हुई थी, चार्जिंग ड्यू टू द चार्जिंग ऑफ दिस इंडक्टर। सो व्हेन अ चॉपर सीएच इज ऑन द क्लोज करंट पाथ इज शोन इन फिगर 7.5 बी एंड इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी ड्यूरिंग टी ऑन पीरियड व्हेन द चॉपर इज ऑफ सीएच इज ऑफ द एज द इंडक्टर करंट कैन नॉट डाई डाउन इंस्टेंटेनियसली दिस करंट इज फोर्स्ड टू फ्लो थ्रू द डायोड एंड लोड फॉर अ टाइम टी ऑफ एज द करंट टेंड्स टू डिक्रीज पोलैरिटी ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द एल इज गिवन एज शोन इन फिगर 7.5। एज अ रिजल्ट द वोल्टेज अक्रॉस द लोड गिवन बाय वी जीरो इक्वल्स टू वी एस प्लस एल डी आई बाई टी टी। तो ड्यूरिंग हम बात ये कह सकते हैं कि आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो हमारा होगा वो कब अचीव होगा, जब टी ऑफ होगा यानी चॉपर ऑफ होगा, और चॉपर ऑफ होने पर जो आउटपुट लोड पर जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो होगा वी एस प्लस एल डी आई बाई डी टी दैट एक्सीड्स द सोर्स वोल्टेज। एग्जैक्टली जो हमारा आउटपुट तो क्या था वी एस, उसमें एक कॉम्पोनेंट और एड अप हो गया एल डी आई बाई डी टी। तो इस तरह से हमारा ये जो चॉपर है ये स्टेप अप चॉपर की तरह काम करेगा। व्हेन सी एच इज ऑन करंट थ्रू द लोड वुड इंक्रीज फ्रॉम आई वन टू आई टू एज शोन इन फिगर 7.5 डी। व्हेन सी एच इज ऑफ द करंट वुड फॉल फ्रॉम आई टू टू आई वन विद सी एच ऑन। सोर्स वोल्टेज इज सप्लाइड टू एल दैट इज वी एल इक्वल टू वी एस। व्हेन सी एच इज ऑफ के सी एल अगर हम लगाएं तो वी एल माइनस वी नॉट प्लस वी एस इक्वल टू जीरो और वी एल इक्वल टू वी नॉट माइनस वी एस। VL क्या है, VL है इंडक्टर वोल्टेज। हेयर द VL इज लोड वोल्टेज अक्रॉस द L, L यानी इंडक्टर। अज्यूमिंग लीनियर वेरिएशन द आउटपुट करंट द ऑफ आउटपुट करंट द एनर्जी इनपुट टू द इंडक्टर सोर्स फ्रॉम द सोर्स ड्यूरिंग पीरियड T ऑन इज Vin, हम इस Vin इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस L एवरेज करंट थ्रू L T ऑन। सो Vin W in इक्वल्स टू वी एस इंटू आई वन प्लस आई टू अपॉन टू इंटू टी ऑन। तो ड्यूरिंग द टाइम टी ऑफ व्हेन चॉपर इज ऑफ द एनर्जी रिलीज बाय द इंडक्टर टू द लोड इज टी ऑफ इक्वल्स टू चार्जिंग। ये पहली जो इक्वेशन है 7.3 ये है हमारी चार्जिंग के टाइम पर उसमें एनर्जी स्टोर होगी वो होगी करंट कहाँ से जा रहा है आई वन से आई टू तक, तो आई वन प्लस आई टू अपॉन टू इंटू टी ऑन, टी ऑन टाइम के लिए वो ऑन होगा और बी एस क्या है इनपुट वोल्टेज। और क्योंकि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है वी इंटू आई इंटू टी और वी ऑफ क्या होगा, वी ऑफ वी टाइम हो गया डब्ल्यू ऑफ, सॉरी वी ऑफ नहीं डब्ल्यू ऑफ है, डब्ल्यू ऑफ क्या है वो एनर्जी है वो जो कि हमारे लोड पर अप्लाई होगी और उसका मान उसका वैल्यू होगा वोल्टेज अक्रॉस एल एवरेज करंट थ्रू द एल एंड टी ऑफ। तो वोल्टेज अक्रॉस एल क्या होगा वी नोट आउटपुट वोल्टेज इन माइनस इनपुट वोल्टेज, क्योंकि ये देखो यहाँ है आउटपुट वोल्टेज ये इंडक्ट, ये तो डायोड तो सिंपली एक कंडक्टर सेमीकंडक्टर है, तो ये जो वोल्टेज होगा ये सारा का सारा फॉलो होगा यहाँ इस पोजीशन पर, ऑलमोस्ट सारा नहीं ऑलमोस्ट फॉलो होगा इस पॉइंट पर और यहाँ इस पॉइंट पर है बी एस। तो इस एल के अक्रॉस होगा वोल्टेज वी ओ माइनस वी एस। ओके तो वी ओ माइनस वी एस तो वोल्टेज अक्रॉस एल होगा, करंट क्या होगा आई वन प्लस आई टू अपॉन टू एवरेज करंट थ्रू इंडक्टर और कितने टाइम के लिए टी ऑफ इस टाइम के लिए। अब एक हम कंसिडर द सिस्टम टू बी लॉसलेस दीज टू एनर्जीज गिवन 7.3 और 7.4, हम इसको जो ये जो हमारा सर्किट है इसको लॉसलेस सर्किट अगर अज्यूम कर लें तो ये जो एनर्जी है ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल होने के लिए इसको हम इक्वेट करेंगे वी एस डॉट आई वन प्लस आई टू अपॉन टू इंटू टी एन इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी एस इंटू आई वन प्लस आई टू अपॉन टू इंटू टी ओ।
अब ये जो ये पैरामीटर है I1 + I2/2, ये कंपोनेंट्स है I1 + I2 से स्ट्रक्ट आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, V0 = VS/T / T-T0। इसको हम अगर ओपन करके और सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टी की वैल्यू क्या है, T on + T off। तो बेसिकली T on/T होता है हमारा अल्फा, जिसे हम ड्यूटी साइकिल बोलते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज वी आउटपुट इक्वल्स टू हो जाएगा VS/1/1 - अल्फा। अब ये जो अल्फा फैक्टर है ये 1 में से माइनस हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ डेसिमल के अंदर कोई चीज़ आएगी, और वो डेसिमल के अंदर अगर कोई डिनोमिनेटर है तो वो इस ओवरऑल फैक्टर को इंक्रीज करेगा। इसलिए ये हमारा ये जो फैक्टर है ये हमारा स्टेप अप प्रॉपर को डिनोट करेगा, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज है वो इस इनपुट वोल्टेज से या VS से ऑब्वियसली इस इक्वेशन को देखते हुए इंक्रीज ही होगा, और अल्फा की वैल्यू क्योंकि <1 हो सकती है, तो ये इसलिए ये फैक्टर VS इनटू समथिंग होगा, और वो जो समथिंग होगा वो >1 होगा, और जो अगर >1 है तो ऑब्वियसली है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो VO, वो हमारे इनपुट वोल्टेज से इंक्रीज होगा, इसलिए हम इसको स्टेप अप करते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट ये हमने स्टेप अप जो पर डिस्कस किया, अब इसके आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि एक दिन में एक ही उसको फिगर एक ही कॉन्सेप्ट को लेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो हम नहीं यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।